हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सचिन, आज आपके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आज मैथ का क्वेश्चन जो यूपी पटवारी में या फिर एसएससी में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए और वी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। हल है इसका ए और बी ने, दोस्तों 10 और 15 दिन में काम करते हैं, 10 और 15 दिन में इसकी एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ जाएगा उससे 30। इसकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे ए की, तो इसके साथ कितनी बार जा रहा है, 10 या 30, तो इसकी एफिशिएंसी 30 आ गई, और इसी प्रकार से इसकी 15 दुनी 30, 2 आ गई। क्वेश्चन में क्या है, ए काम छोड़कर चला गया, तो ए काम छोड़कर चला गया होगा तो काम पूरा जो किया होगा बी ने किया होगा, मतलब ए ने जब भी काम छोड़ा होगा उसके बाद पूरा काम बी ने किया होगा। तो दोस्तों देखते हैं, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इसका बी का पूरा काम निकाल लेंगे। तो 9 दिन तक काम अगर किया है तो 9 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 18। ये किसका काम आया, वी का, क्योंकि ये तो काम छोड़कर चला गया था। तो ये काम किसने किया, बी ने, ये काम वी ने किया है, तो बाकी काम जो बचा हुआ होगा वो किसने किया होगा, ए ने। तो टोटल काम कितना है, 30, 30 में से 18 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, काम आएगा 12। तो 12 काम किसने किया होगा, ये वाला 12 काम किसने किया होगा, ये काम किया है ए ने। तो दोस्तों इसको इधर देखेंगे, ये काम 12 किसने किया है, ए ने। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, और इसका टोटल काम कितना है, 12। तो इसे 12 से 12 को 3 से भाग कर देंगे, इसको काट देंगे, कितना आएगा, 3 चौक 12, तो इसका मतलब ये 4 दिन, ये 4 दिन जो आया इसका काम आया किसका, ए का। तो ए ने 4 दिन में काम किया, तो दोस्तों आंसर क्या आया इसका, 4 दिन, ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में कहा था ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो दोस्तों ए और बी 10 और 15 दिन में काम करते हैं, इसका टोटल काम आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 30 एलसीएम आएगा, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर हम इसको इसके जितनी बार जाता है, जैसे 10 या 30 तीन बार जा रहा है, तो इसका 3 एफिशिएंसी आ जाती है, तो इसी प्रकार से इधर इसकी 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। दोस्तों इसमें कहा एक काम छोड़कर चला गया, एक काम छोड़कर चला गया होगा तो उसके बाद सारा काम किसने किया होगा, बी ने। तो बी ने लगातार 9 दिन तक काम किया, तो इसकी एफिशिएंसी थी 2, तो 9 दुनी 18, तो उसका टोटल काम आ गया 18, और इसका पूरे दोनों का कुल मिलाकर काम था 30, तो 30 दोनों का कुल मिलाकर काम था, और इसका काम आ गया बी का 18, तो इसमें से घटा देंगे, कितना आ गया, 12, 12 किसका काम आया, ये ए का काम आया है, इसका ए का काम कितना आ गया, 12 टोटल काम, और इसकी एफिशिएंसी है 3, एक दिन में 3 काम कर सकता है, टोटल काम है 12, 3 से 12 को भाग दे दी, 4 आ गया, 4 इसका 4 दिन में, ये 4 दिन का काम किया इसने, तो इसने 4 दिन तक काम किया होगा ए ने। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर इस प्रकार के आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आप देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।